महाराष्ट्र में मंदिर की राजनीति अपने चरम पर है। मंदिर के मुद्दे पर जिस तरह से शिवसेना समेत महाविकास अघाड़ी और बीजेपी आमने सामने हैं, उससे महाराष्ट्र में मंदिर की सियासत का एक नया तूफान खड़ा हो चुका है। मंगलवार को बीजेपी ने जहां राज्य के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सरकार के विरोध में आंदोलन किया, तो वहीं राज्यपाल की सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी ने महाराष्ट्र में एक नए सियासी जंग का ऐलान कर दिया है। राज्यपाल की चिट्ठी पर महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि यह चिट्ठी किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लग रही है। आलम यह है कि हर कोई हिंदुत्व को अपने हिसाब से परिभाषित करने में लगा हुआ है। इस प्रयास में राजनीति में शब्दों की गरिमा भी गिरती जा रही है। सूबे में जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से ही शिवसेना बीजेपी के निशाने पर है और गाहे बगाहे बीजेपी हिंदुत्व को भूलने या उससे समझौता करने का आरोप शिवसेना पर लगाती रहती है। सुशांत सिंह के मामले में भी बीजेपी के निशाने पर शिवसेना रह चुकी है। बीजेपी के नेता एक के बाद एक बयान देकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को घेरने में लगे हुए हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ बीजेपी नेताओं के बयान। आज समय आ चुका है कि उद्धव ठाकरे जी, आपको हिंदुत्व का प्रमाण पत्र और पाठ राज्यपाल महोदय से लेने का समय आ चुका है। आप इस बात को नकार नहीं सकते हो कि हिंदुहृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों से आपने प्रताड़ना कब की कर चुके हो। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि हिंदुहृदय सम्राट स्वातंत्र वीर सावरकर जी को जिन्होंने अपमानित किया, उनको आपने गोदी में बिठाया है। आपने पीओके का उल्लेख किया, इसके लिए कहना पड़ रहा है भारत तेरे टुकड़े हो 50,000 कहने वाले का मुंबई में स्वागत और उसके साथ स्टेज शेयर करने की भूमिका आपने ही रखी थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे को घेरते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे जी, अब समय आ चुका है जब आपको राज्य के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से हिंदुत्व की शिक्षा और प्रमाण पत्र लेना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कसाब को बिरयानी खिलाने वालों के साथ शिवसेना ने शादी कर ली है। शेलार इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि उद्धव जी, आप स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को भूल चुके हैं। जिन लोगों ने दिवंगत वीर सावरकर का अपमान किया, जिन लोगों ने भारत के टुकड़े होने के नारे लगाए और जिन लोगों ने याकूब को फांसी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया, ऐसे लोगों को आपने अपनी पार्टी में शामिल किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी सवाल उठाया है कि सरकार जब शराब की दुकानें खोल रही है, बार एंड रेस्टोरेंट खोल रही है, उद्योग धंधे और बाजार खोल रही है, तो फिर मंदिर खोलने में क्या दिक्कत है। शराब की दुकान से लेकर मॉल से लेकर बसेस से लेकर एसटी से लेकर रेल से लेकर विमान तक सारा शुरू हुआ, तो स्वाभाविक हिंदू समाज की यह मांग है कि मंदिर भी खुले हो जाए, भगवान का दर्शन लेने का जो मानसिक समाधान है वो सबको मिलना चाहिए। मंदिर भी खुलने चाहिए, मस्जिद भी खुलने चाहिए, चर्च भी खुलने चाहिए, गुरुद्वारा भी खुलने चाहिए, जैन मंदिर भी खुलने चाहिए, क्यों बंद करने हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के सुपुत्र और बीजेपी नेता नितेश राणे ने भी शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा है कि शिवसेना प्रमुख और उनके सांसद संजय राउत को सेक्युलर शब्द से इतनी नफरत थी कि वे कहते थे कि इस शब्द को ही संविधान से निकाल देना चाहिए। फिर अगर यही बात माननीय राज्यपाल ने उनसे कही है तो उन्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही। अगर उन्हें वाकई में इतनी दिक्कत हो रही है तो शिवसेना यह स्पष्ट कर दे कि वह अब एक सेक्युलर पार्टी बन चुकी है। इफ द ऑनरेबल गवर्नर आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन टू लेट बालासाहेब ठाकरे सन, सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट उद्धव जी ठाकरे फेल्ट रॉन्ग इन इट, एंड इफ ही रियली हैज सो मच ऑफ ऑब्जेक्शन, why doesn't him and his party just declare that they are a secular party and they follow secularism? Does he dare to do that? That's the question I want to ask him. वही सुशांत सिंह के मामले में महाराष्ट्र सरकार से लोहा ले चुकी अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह जानकर अच्छा लगा कि माननीय गवर्नर महोदय ने गुंडा सरकार से पूछताछ की है। गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट्स तो खोले हैं, लेकिन
मंदिरों को बंद रखा है। सोनिया सेना बाबर सेना से भी बुरा बर्ताव कर रही है। मंदिर को खोलने और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के चौतरफा हमले के बाद शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने कहा कि शिवसेना कभी हिंदुत्व को नहीं छोड़ सकती है। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है। जो लोग हमले कर रहे हैं उन्हें आत्मनिर्भर होकर चिंतन करने की आवश्यकता है। संजय राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है। यह बात राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझ में आती है, तो फिर यह बात राज्य के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को क्यों समझ में नहीं आती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जनता के हित में फैसले लेने का पूरा अधिकार है। ने कभी ना हिंदुत्व को नकारा है, प्रेम माने ना हिंदुत्व को खुला है शिवसेना और ना हिंदुत्व को खुलेगी। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी आज एक महाराष्ट्र के कार्यक्रम को संबोधित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि महाराष्ट्र को आज भी कोरोना का धोखा कायम है। अगर देश के प्रधानमंत्री को ये धोखा लगता है महाराष्ट्र में करेगा तो राज्यपाल महोदय ने भी इस बारे में सोचना चाहिए कि धोखा है और मुख्यमंत्री है ये इस राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री है। यहाँ कैबिनेट है और राज्य में जनता के हित क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है उसका पूरा अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री। वहीं उद्धव ठाकरे के बचाव में महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठकर असंवैधानिक बातें कर रहे हैं जो किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लग रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोरोना का खतरा टल गया है तो बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर माननीय राज्यपाल यह जिम्मेदारी लेते हैं कि धार्मिक स्थल खोलने से कोरोना का प्रसार नहीं होगा तो सरकार सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए तैयार है।